मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बैतूल जिले का है, जहां एक स्कूल की टीचर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत मांग रहे एकलव्य मॉडर्न आवासीय स्कूल शाहपुर के शिक्षक को लोकायुक्त पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, जो प्यून रुपए ले रहा था। भोपाल से आवेदक हैं मिस्टर आलोक कुमार सिंह जी। इनकी एक फर्म है माँ वैष्णो करके, और उनके द्वारा ये जो आपके यहाँ शाहपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय है और छात्रावास है, इसमें इन्होंने मैथ संचालन का ठेका लिया हुआ था जी जी। साथ ही बहुत कई अन्य सामग्रियों को सप्लाई भी किया था जी। तो जो सामग्रियाँ सप्लाई की थी उनका और मैथ संचालन के जो बिल बन रहे थे अभी जी जी, अभी तक के उनके लिए यहाँ प्राथमिक शिक्षक हैं मिस्टर चंद्रमोहन तिवारी जी। उनके द्वारा प्राथमिक तौर पे 4 लाख रुपए और 1.5 लाख ऐसे करके 5.5 लाख रुपए की प्राथमिक तौर पे रिश्वत मांगने की शिकायत जो है आलोक कुमार सिंह जी ने भोपाल में SP लोकायुक्त साहब के सामने प्रस्तुत की थी, जिस पर SP भोपाल के निर्देशन में सत्यापन की कार्रवाई की गई। इसमें ये पाया गया, सत्यापन के अनुक्रम में जो रिकॉर्ड वार्तालाप है उसके अनुसार जो मिस्टर तिवारी हैं, जो इंद्रमोहन तिवारी जी, जी जी जी, इनके द्वारा स्वयं के और जो अधीक्षक और जो प्रिंसिपल हैं, ये यहाँ जो बाबू हैं एक सरकार के बाबू हैं, उन सभी के लिए कुल मिलाकर 8,26,000 रुपये कैलकुलेशन करके जी रिश्वत की मांग की गई। चूँकि इसके तहत 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए जी, फिर इनको आज इनने अपने एक साथी गार्ड है जिसको कि गुल्लू सिंह, उसको इन्होंने वो पैसे दिलवाए थे और इन दोनों को ही रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तो सर कितनी राशि इनके पास से आज प्राप्त हुई आपको? आज का ट्रांजेक्शन था वो 1.5 लाख रुपए का है, कैश। और कलर भी आपके हिसाब से, इन्हें विज्ञान के हिसाब से आ गया है? नहीं, अभी इन्होंने क्या किया है कि गुल्लू सिंह, इन्होंने बोल के गुल्लू सिंह से करवाया और गुल्लू सिंह ने लिफाफे थैले के अंदर रखवाया है जी, तो उसके तहत फिर हम लोगों ने उनको पकड़ा है। धन्यवाद सर, आपका शुभ नाम? DSP संजय शुक्ला, भोपाल। भोपाल, धन्यवाद सर।